देखें dx से नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये वो फॉर्म है x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो a की जगह अगर हम करें 2 पुट करेंगे 2 tan थीटा, dx अपॉन d थीटा हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, और dx हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वेल अब सबका ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ठीक है, जो यहाँ पे है dx की जगह मैं 2 sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये 4 तो अपनी जगह था, x को मैंने क्या मान लिया था 2 tan थीटा, तो ये मैं कर दूँगा, और ओवरऑल ब्रैकेट पे पावर 3/2 थी, इसको ना छेड़ें, रहने दें। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 कॉमन ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर ये भी sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन एक मसला है, वो क्या, देखो यहाँ ये जो 4 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर इस पर पावर 3/2 है, तो 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, और 2 का क्यूब 8, तो ये जब इस यहाँ 8 बचेगा ना भाई, समझो इसको, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 4, क्योंकि पावर 3 है, अपॉन में 2 भी है, तो 4 को जब हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर ये कट जाएगा अपॉन के 2 से, 2 का क्यूब 8, फिर ये 2 8 से कटेगा। अच्छा देखो यहाँ सेग स्क्वायर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये स्क्वायर सेग स्क्वायर और ये अपॉन का 2 कट गया, यहाँ सेग क्यूब थीटा बच रहा है, ठीक है, तो नीचे एक सेग थीटा बचेगा, साफ दिख रहा है, ठीक है, एक बच रहा है, अपॉन में सेक है, ऊपर कॉस हो जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है। अब एक इशू आ गया कि साइन में कन्वर्ट हो गया, तो हम देखेंगे अपने हिसाब से रिजल्ट कि साइन थीटा क्या बन सकता है। देखो हमने ना एक्स को 2 tan थीटा लिया था, तो एक्स अपॉन 2 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, और tan हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा 2, बेस हो गया 2, परपेंडिकुलर एक्स बेस 2, तो हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, क्यों भाई साइन थीटा चाहिए ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ यही सिचुएशन आ जाएगी एंड में, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर आ गया। करते ही यही है, इस टाइप के सवालों में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाती, तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। अब आंसर जैसा कि अगर साइन में आ गया, तो साइन देख लेंगे कि अलजेब्रिक में किसके बराबर है, और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।